आसनसोल के जुबली मोड़ इलाके में बस डिपो में खड़ी एक सरकारी बस अचानक बिना ड्राइवर के चालू हो गई। इसके उपरांत डिपो के गेट को तोड़ते हुए ये बस रास्ते पर आ गई और 3 मोटरसाइकिलों को इस बस ने कुचल दिया। घटना में 2 मोटरसाइकिल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, 1 मोटरसाइकिल को काफी नुकसान पहुंचा। घटना के बारे में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह डिपो के सामने मोटरसाइकिल के पास खड़े थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि डिपो के अंदर से एक बस, वह भी बिना ड्राइवर और खलासी के, गेट को तोड़ते हुए रास्ते की तरफ चली आ रही है। इससे पहले कि वह लोग कुछ समझ पाते, उस बस उनके काफी करीब पहुंच गई। अपनी जान बचाने के लिए वह लोग वहां से भाग गए और बस ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। उन्होंने बताया कि बस में ना तो ड्राइवर था और ना ही खलासी। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना ड्राइवर के बस स्टार्ट कैसे हो गई। जब हमने इस बारे में डिपो के कर्मचारी से तो उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि उनके इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। अब बस अपने आप कैसे स्टार्ट हो गई, ये बस में कोई तकनीकी खराबी हो रही होगी। ये एक सरकारी बस है जो हावड़ा डिपो की ओर से कोलकाता से आसनसोल आई थी। आसनसोल से कोलकाता वापस जाने के समय 2:30 बजे था और 2:30 बजे के आसपास ये बस आसनसोल के जुबली मोड़ के डिपो में आई थी। इसके बाद बस के ड्राइवर और खलासी खाना खाने चले गए थे और बस में कोई नहीं था। जब ये जांच का विषय है कि बस में ड्राइवर के ना होने के बावजूद बस अपने आप स्टार्ट कैसे हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बस में कोई तकनीकी खराबी थी तो कोलकाता से आसनसोल यात्रियों को लेकर ये बस कैसे आई। क्या SBSTC यात्रियों की सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करती है। इस बारे में जब हमने आसनसोल नगर निगम के पार्षद श्रावणी मंडल से बात की तो कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पर आई उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। उनको बताया गया कि एक बस बिना ड्राइवर के अपने आप स्टार्ट हो गई और 3 मोटरसाइकिलों को उसने कुचल दिया। ये ईश्वर की कृपा रही होगी कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जाने के लिए मैंने हुआ क्या चीज था, गेटवा में रखा रहा गाड़ी, तो स्टार्टिंग रहा वही चलते, समझे ना। तो क्या ड्राइवर नहीं था क्या, भूल गया है ड्राइवर, ड्राइवर नहीं था क्या, ये नहीं बता सकता है। बिना ड्राइवर के गाड़ी चलने लगा, गाड़ी क्या स्टार्ट में था। हाँ गाड़ी का प्रॉब्लम उनका है, वायरिंग को भी जला हुआ है, स्टार्टर रहा वही चलते। तो ये बस टा दिए कोथा थे, कोथा पर्यंत तो आसनसोल थी क्या कोलकाता चलते, तो एक मैंने चलते होती आज थे कि गाड़ी कब घुसाई गया डिपो में, गाड़ी कब आया था डिपो में। इसका टाइम है जाए छोड़ने के लिए 3:10 में आया होगा, करीब आपका जाके 12:30 बजे 1 बजे आया होगा। तो हटा देरी गया कहना, इसके ड्राइवर सब का है कौन था, रास्ता मध्य गाड़ीटा ताला भेंगे बेरिए गया कहना कि ड्राइवर छो ना, এটা বলতে পারছি না আমি। আপনি গাড়ি স্টাফ নাকি, আমি এখানে স্টাফ গ্যারেজে স্টাফ ছিল ঘটনা, আমরা দাঁড়িয়েছিলাম পর সার্ভিস রোড, ঠিক আছে, আমি আর একটা ছেলে ছিল আর একজন তো গাড়ি, ও দাঁড়িয়ে ছিল, ও জাম করে সাইড করে বেরিয়ে গেলো, ঠিক বাসটা আসতে দেখে আমিও সেম জাম করে গেলো, গাড়ি ছেড়ে স্টার্ট হলো না, গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। লাস্টে গাড়িগুলো এমন মারলো আমরা নেহাত থাকলে আমাদের বের হয়ে যাবে। বাসটা আসতে দেখলে, বাসটা এখানে সামনে গেটের সামনে যখন মারছে ধাক্কা তখনই আমি বুঝতে পেরেছি, তখন ড্রাইভার ছিল, ড্রাইভার কেউ ছিল না, ড্রাইভার কেউ, গাড়ি স্টার্ট ছিল, গাড়ি স্টার্ট ছিল, আমরা চাবি বার করতাম চাবি পেলাম না কিছু না, গাড়ি স্টার্ট আছে দেখলাম। আর গাড়িটা বলছে বাস খারাপ, মানে স্টার্ট ছিল, ড্রাইভার ছেড়ে চলে গেছে, রাস্তা তো রাস্তার উপর পর্যন্ত চলে গেছে, রাস্তা ওই যে ডিভাইডার ছিল, ডিভাইডার মেরে ব্যাক করে ড্রেনটা তো মেরেছে বলে বেঁচে গেছে, নাহলে ডিভাইডার না থাকলে বেরিয়ে কোথাও কোথাও মাত্র কে জানে। আর রাস্তায় গাড়ি, তখন রাস্তায় গাড়ি ফেরে পেরিয়ে যায় না, আমার হাত দাঁড়িয়েছিলাম বলে আমি বেঁচে গেলাম। আমরা যে চালু রাস্তায় চলতাম তখন বাস আমাদের শেষ হয়ে যেত। কতগুলো বাইক ছিল, 3টে বাইক ছিল, তার মধ্যে 2 বাইক তো আপনার পুরো একদম সমাজ করে দিই, পুরো একদম হয়েছে। সে সময় আমি ছিলামই না এখানে, আমাদের একটা খেলা চলছে শিব মন্দিরের মাঠে, সেখানে সব ওটা ভালো করে হঠাৎ করে শুনলাম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। যারা ওখানে ছিল তারা ভালো বলতে পারবে, আমি এত ডিটেলটা বলতেই পারবো না। তবে আমি এসে দেখলাম রাস্তার উপরে 3টে একদম স্ম্যাশড গাড়ি মোটরসাইকেল সব পড়ে রয়েছে আর লোকে লোকারণ্য ভিড়ে হয়ে রয়েছে। শুনলাম যে আসনসোল সে বিজু মন্ডল কে রিপোর্ট, পিভি টিভি নিউজ। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গল এন্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন। মেট্রো প্লাজা NSB রোড রানীগঞ্জ মথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং
9434133666।